फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग पेरेंटिंग। आज हम बात करेंगे एनाटोलियन शेफर्ड के बारे में। एनाटोलियन शेफर्ड का ओरिजिन टर्की में हुआ था। ये एक लार्ज साइज ब्रीड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी स्पीड के लिए और गार्डिंग के लिए जानी जाती है। इसको पहले के जो फार्मर्स होते थे या जो शिप रखते थे, जो शेफर्ड्स होते थे, वो इसे यूज़ करते थे एज अ गार्डिंग डॉग, वुल्फ और जानवरों से बचाने के लिए, शीप्स को, इवन लेपर्ड से भी। वैसे तो ये काफ़ी लॉयल और लविंग डॉग है, लेकिन क्योंकि ये गार्डिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ही एग्रेसिव भी हो सकता है। इसको फाइटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब कि जैसे भेड़िए हैं या लेपर्ड्स हैं, उनको भगाने के लिए, जिससे शीप है या और भी जो कैटल्स हैं वो सेफ रहे। लेकिन अगर आप इसको एज अ कंपेनियन डॉग रखना चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत एग्रेशन हो। अगर आप इसको पूरे ठीक से सोशलाइज़ नहीं कराते, जब वो पपी है तो दूसरे पेट से और लोगों से अच्छे से सोशलाइज़ नहीं कराते, तो इसको अनजान लोगों को लेके इसमें एग्रेशन आ सकता है। अब बात करें इसके फिज़िकल फीचर्स की। इसका हेड काफ़ी स्ट्रांग होता है, ब्रॉड होता है इसका हेड, और जो इसका मज़ल होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। और मज़ल के ऊपर जो कोट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। पूरा जो इसका कोट होगा वो फॉन कलर का या लाइट कलर का या वीट कलर का कोट होगा इसका, लेकिन जो मज़ल होगा वो ब्लैक ज़रूर होगा। इसकी नोज़ भी ब्लैक होती है, और जो इसकी आइज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर की होती हैं, कोट के ऊपर डिपेंड करता है। लिप्स इसके ब्लैक होते हैं, और जो बॉडी है वो काफ़ी पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। नेक पे काफ़ी मसल होता है इसके, और जो लिम्स होती हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्कुलर होती हैं। फीट्स भी इसके काफ़ी सॉलिड होते हैं। टेल जो होती है इसकी लंबी होती है और हल्की सी नीचे की तरफ से कर्व्ड होती है। कोट इसका थिक होता है, डबल लेयर कोट होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट डबल लेयर कोट होता है इसका, ठीक है। नेक पे हल्का सा लॉन्ग कोट हो सकता है। अब बात करें इसकी वेट की, तो इसका फीमेल का वेट जो होता है 40 से 55 केजी तक होता है, और मेल का वेट जो होता है 50 से 65 केजी तक होता है। और वेट फीमेल का होता है 71 से लेके 79 सेंटीमीटर शोल्डर तक, और मेल का होता है 74 से लेके 81 सेंटीमीटर शोल्डर तक। बात करें एनाटोलियन शेफर्ड के बिहेवियर की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है अगर आप उसको बचपन से सोशलाइज नहीं कराएंगे, और गार्डिंग डॉग है। आजकल तो ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कंपेनियन डॉग भी अच्छा है। काफ़ी वेदर मतलब ऑल टाइप ऑफ वेदर कंडीशन में ही रह सकता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। अगर आप इसको एज अ पेट डॉग पालना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हार्ड होता है ट्रेनिंग में, और इसमें एग्रेशन भी आ सकता है बच्चों को लेके या दूसरे जानवरों को लेके, अगर आप उनको ठीक से मिलाएंगे नहीं। और क्योंकि लार्ज साइज ब्रीड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, तो इसे संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि स्मॉल डॉग है और वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया, तो उसको फिर भी संभाल सकते हैं आप, लेकिन लार्ज साइज ब्रीड को थोड़ा संभालना, एग्रेशन कंट्रोल करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अदरवाइज़ वैसे तो ये काफ़ी लॉयल है, काफ़ी लविंग है, और इसको प्रॉपर एक्टिविटी चाहिए होती है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपके पास एनाटोलियन शेफर्ड है, वैसे तो एक रेयर ब्रीड है, पर फिर भी अगर है तो इसको काफ़ी एक्टिविटी चाहिए। ये बिल्कुल भी लेज़ी लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आपको जो पेरेंट है उसको बहुत एक्टिव होना ज़रूरी है। लार्ज साइज ब्रीड है, एक्टिव ब्रीड है, हर्डिंग में आता है, गार्डिंग में आता है, बहुत प्रोटेक्टिव है, नेचुरली काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। वैसे तो ये काम और फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर आप इनको पूरी एक्टिविटी, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कराएंगे, प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं कराएंगे, तो ये एग्रेसिव या थोड़े से इरिटेबल हो सकते हैं। एनाटोलियन शेफर्ड काफ़ी हेल्दी डॉग है। अगर आप उसको न्यूट्रिशनल फूड दें, प्रॉपर एक्सरसाइज उसको टाइम टू टाइम कराएं, रनिंग वगैरह कराएं, और उसको अच्छे से ट्रेनिंग कराएं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कराते हैं, या फिर मान लीजिए बचपन से उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें लार्ज ब्रीड डॉग वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हिप डिप्लेशिया, एल्बो डिप्लेशिया, कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बोन से संबंधित प्रॉब्लम जैसे बोन ट्यूमर या बोन कैंसर वगैरह हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए। और दूसरा, ये ट्रेनिंग में भी थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि थोड़े इंडिपेंडेंट डॉग हैं, तो आप इनको पुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनको आप पुश नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, तो अपने मर्जी से काम करते हैं, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी थोड़ी हार्ड होती है।
ये थी हमारी आज की एनाटोलियन शेफर्ड के बारे में वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से बाय बाय।